हाई स्पीड है, इतनी ज्यादा खतरनाक बाइक मैंने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखी है। ये जंप तो यार ऐसी लगा रही है, ओ माय गॉड। ये देखो गाइस, यहाँ पे रोड के ऊपर भी भाई ये इतने खतरनाक स्टंट कर रही थी कि आने जाने वाले लोग ये बाइक। तो गाइस आज तक आप लोगों ने बहुत सारी बाइक्स देखी भी होगी और चलाई भी होगी, पर आज की वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐसी बाइक दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपका माइंड पूरी तरीके से हिलने वाला है। तो गाइस हाजिर है आप लोगों के सामने लोसी प्रो मोटो एक्स बाइक। इसका प्राइस पता है 80,000 रुपीज है। इतने प्राइस में तो यार एक स्प्लेंडर बाइक ही आ जाएगी। तो मेरे को नहीं लगता गाइस ये बाइक इंडिया में और किसी के भी पास होगी, क्योंकि बाइक एक तो बहुत ज्यादा महंगी है और ये मिलती भी नहीं है यार। ये दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस RC बाइक भी आप इसे बोल सकते हो। ये बाइक बहुत ही मस्त तरीके के स्टंट वगैरह कर सकती है, व्हीली वगैरह भी कर सकती है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। तो देखते हैं ऐसा क्या है ये बाइक के अंदर जो कि 80,000 में बिक रही है। तो ये बाइक है 1:4 स्क्विल मॉडल पे बनी हुई है, मतलब इसका जो साइज है ये काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। इसके अंदर फ्लाई व्हील वाला जायरो सेंसर भी लगा हुआ है, सामने के टायर में डिस्क ब्रेक भी लगा हुआ है। चलो गाइस फटाफट से बॉक्स को इस तरफ टर्न कर लेते हैं और इसको ओपन करते हैं। गाइज आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना। देखो इस तरीके की पैकिंग के साथ आती है हमारी बाइक, इसको भी रखते हैं साइड में। सबसे ऊपर है इसकी यूजर गाइड, यूजर गाइड देखो काफ़ी ज़्यादा मोटी तगड़ी दी गई है, क्योंकि भाई ये एक RC बाइक है। RC कार की तरह हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं चला सकते, इसको चलाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो इसको रखते हैं साइड में। ओह भाई सच बता रहा हूँ, देखो इसका साइज कितना ज़्यादा बड़ा है। अभी निकालते हैं इसको यहाँ से बाहर। अरे भाई ओहो भाई साहब मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। ये देखो गाइस इसका साइज देखो यार, सच बता रहा हूँ मैंने आज से पहले इतनी बड़ी RC मोटरसाइकिल बिल्कुल भी नहीं देखी है। वैसे तो मेरे पास एक 50cc की भी मोटरसाइकिल है, 125cc की भी डर्ट मोटरसाइकिल है, पर ये उन सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। रियल जो मोटोक्रॉस बाइक होती है उसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए, उससे पहले इसके साथ बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें वो दिखा देता हूँ। तो ये इसका एक स्टैंड है, देखो इसको यहाँ पर इस तरीके से रख के हम लोग ठहरा भी कर सकते हैं। अब ये बाइक हमारी एकदम सही तरीके से ठहर चुकी है। तो इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ये भी दिखा देता हूँ। ये भी एक स्टैंड है, इसके भी ऊपर हम लोग बाइक को रख सकते हैं। यहाँ पे इसके कुछ स्पैनर है, बहुत सारे टूल्स वगैरह दिए गए हैं और इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह मेरे को लग रहे हैं। ये इसकी चेन ल्यूब है, जैसे रियल बाइक के अंदर चेन होती है ये बाइक के अंदर भी चेन दी गई है, चेन के ऊपर ये लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी इसका रिमोट कंट्रोलर मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई साहब ये देखो यार कितने ढेर सारे इसके ऊपर नॉब्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे स्विचेस वगैरह भी दिए गए हैं। यहाँ से हम इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर 3 मोड्स मिलते हैं वो भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा टेक्टाइल है यार, रिमोट सच में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड क्वालिटी का बना हुआ है। ये बाइक के साथ बैटरीज वगैरह नहीं मिलते हैं, सेपरेटली ख़रीदनी पड़ती है। इसके साथ मैंने ये वाले बैटरीज को ख़रीदा है, जैसे कि देख सकते हो 5300 की 30C mAh की 2 बैटरीज मेरे पास है। तो आज दोनों बैटरीज को भी आज इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसकी वेट की बात करूँ तो यार ये तकरीबन 5 किलो की है भाई, काफ़ी ज़्यादा वेट है ये बाइक का। जैसे कि इसका क्लॉथ भी आप देख सकते हो, रियल क्लॉथ इसके ऊपर लगाया गया है। आप चाहे तो ये राइडर को चेंज भी कर सकते हो और इसके कपड़े भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पीछे की तरफ आपको एक जिप नज़र आ जाएगी, यहाँ से आप इसका ड्रेस निकाल के इसको दूसरा ड्रेस भी पहना सकते हो। ओके सामने से स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइस बिल्कुल जैसे रियल बाइक के अंदर सामने वाला टायर या फिर सामने वाले सस्पेंशन होते हैं वैसे ही दिए गए हैं, और ये सस्पेंशन रियल सस्पेंशन इसके अंदर लगाया गया है भाई। सामने का डिस्क ब्रेक भी रियल डिस्क ब्रेक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रिमोट से हम लोग इसको कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। ये लीन बार्स है, ये इसको नीचे नहीं गिरने देते हैं। आप चाहे तो ये लीन बार्स को यहाँ से निकाल भी सकते हो, ये निकालने पर यार थोड़ा सा बाइक को कंट्रोल करने में हार्ड हो जाएगा। बाकी पीछे के टायर में भी आप देख सकते हो मोनो सस्पेंशन लगा हुआ है, ओ भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यार ये सस्पेंशन। और ये इसकी रियल चेन है, ये इसका स्प्रॉकेट आप देख सकते हो,
ये कम्प्लीटली भाई जैसे रियल टायर्स होते हैं वैसे ही टायर्स इसके डिज़ाइन किए गए हैं। डनलोप के टायर्स पीछे की तरफ और सामने की तरफ भी इसके अंदर लगाए गए हैं। इसको हम लोग कम्प्लीटली रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बैटरी लगाना पड़ता है यहाँ पे, ये देखो ये इस तरीके से ऊपर भी हो जाता है। अगर व्हीली करते वक्त ये नीचे भी लगेगा ना गाइस, देखो बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं, इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। बाकी नीचे एक क्लिप दी गई है, इसको इस तरीके से निकालना पड़ता है। फिर इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देखो एक स्पेस बन चुकी है, बैटरी इधर आ जाएगी। फिर हम इसको यहाँ से ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। अबे बैटरी का कनेक्टर बाहर आ चुका है, इसको देखो हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक बार मैं लगा देता हूँ, फिर गाइज इसको चला के भी देखते हैं। ओके यहाँ पे फिक्स हो चुका है, अब इसको ऑन करने वाला हूँ मैं। तो ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे दिया गया है, इसको प्रेस करते हैं। तो बाइक हमारी ऑन हो चुकी है कम्प्लीटली। इसके अंदर जो जायरो है वो भी अभी घूमना चालू कर चुका है, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हो गाइस। इसके अंदर लगा हुआ है फ्लाई व्हील जायरो, भाई आवाज़ तो एक रॉकेट इंजन जैसी आ रही है इसके अंदर से। अब देखो गाइस इसकी स्टीयरिंग काम कर रही है प्रॉपर तरीके से, ये देखो। अभी इसका फ्रंट बैक भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस इस तरीके से इसका फ्रंट ब्रेक काम करता है। यहाँ से मैं इसके अंदर ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल रियल ब्रेक जैसा दिया गया है। एक बार इसकी स्पीड देखते हैं, को चलाते हैं। वो अरे बाप रे गाइस, ये तो अभी से ही व्हीली करने लग रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, साथ में इसकी चेन भी आप देख सकते हो, कम्प्लीटली चेन ड्रिवन आरसी बाइक है ये। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी आरसी बाइक्स है, ये बाइक्स का साइज आप देख सकते हो, बाकी ये बाइक का साइज आप देख लो गाइस कितनी ज़्यादा बड़ी है इन सब के मुकाबले में। ये मेरे पास R1 बाइक है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से स्टंट वगैरह कर सकती है। तो आज इन दोनों के बीच में मैं रेस भी कराऊंगा, स्टंट वगैरह भी करके देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। तो चलो गाइस फटाफट से इसको पहले मैं आपको चला के बता देता हूँ कि ये बाइक कितने मस्त तरीके से चलती है। तो गाइस इसको चलाते हैं अभी। ओहो भाई क्या पावर दी गई है यार ये बाइक के अंदर, मान गए यार। ये देखो यार सामने लेके आ रहा हूँ मैं, ब्रेक लगाते हैं। ओह ब्रेक भी काफी सही है, जीरो स्किड कराते हैं अभी। यार ये जीरो स्किड देखो अभी करने लग रही है धीरे धीरे करके, भाई साहब क्या ही खतरनाक सी बाइक है यार ये। ये देखो भाई, भाई सच में यार इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ये लो फाइनली थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद इसको कैसे स्किड कराना है ये सीख गया मैं। ऐसा लग रहा है कि कोई रियल बाइक यहाँ पे जीरो स्किड कर रही है। ओ माय गॉड हाई स्पीड है गाइस ये बाइक। अभी ऑफ रोड में इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। वाओ स्पीड बहुत ज्यादा है, अगर गाइस इसको मैं रोड पे चलाऊंगा ना सच बता रहा हूँ मेरे को लगता है इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर के आसपास तक बहुत ज्यादा इजीली जा सकती है। अब देखो गाइस यहाँ पे ये बाइक इस तरीके से व्हीली भी कर सकती है, व्हीली कराने के लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। एक और बार व्हीली करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा बाइक शेक हो रही थी, बाकी यार चलाने में मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अब जंप टेस्ट करते हैं, ये लो ओ माय गॉड ऐसा लग रहा है कि कोई रियल बाइक यहाँ पे जंप लगा रही है। अरे भाई साहब ये देखो गाइस कितनी दूर दूर तक ये जंप लगा रही है। अरे रे रे ये थोड़ा सा पलट गई थी यार, बाकी देखो अपने आप ही सीधा भी हो चुकी है। एक और बार मैं आपको बताता हूँ, ये इसने जंप लगाया है, देखो यहाँ पे क्रैश हो गई है, ठीक है। अभी मैं इसको सीधा करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाते हैं और ये सीधी हो चुकी है। सच बता रहा हूँ गाइस इतनी ज्यादा खतरनाक बाइक मैंने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखी है। ये जंप तो यार ऐसी लगा रही है जैसे देख सकते हो, ओ भाई पीछे के टायर पे भी लैंड कर सकती है, सामने के टायर पे भी ये लैंड कर सकती है, ये मेरे हाइट के बराबर तक जंप लगा सकती है। इसको मैंने इतनी ऊपर ऊपर से जंप करा के देखा है फिर भी बाइक को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ यार। इसके सस्पेंशन बिल्कुल सही तरीके से अभी भी काम कर रहे हैं। ये चेन ड्रिवन आरसी बाइक है भाई, इस वजह से यार इसकी स्पीड इतनी ज्यादा दी गई है। जैसे आप ऑफ रोड में चलाओगे ना आपको ऐसा फील आता है कि आप कोई रियल मोटोक्रॉस बाइक चला रहे हो खुद बैठ के। अब बारी है हमारी बाइक को रोड के ऊपर चलाने की, देखते हैं जिसकी टॉप स्पीड कहां तक जाती है। यहां से मैं टर्न करा लेता हूं, मेरे को लग रहा है कि जिसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तक जा रही है। ये देखो गाइस
यहाँ पे रोड के ऊपर भी भाई ये इतने खतरनाक स्टंट कर रही थी कि आने जाने वाले लोग ये बाइक को देखकर शॉक हो गए थे कंप्लीटली। रोड के ऊपर भी काफी मस्त तरीके से ये व्हीली कर रही थी और काफी अलग अलग तरीके के स्टंट भी कर रही थी। गाइस स्पीड है गाइस ये बाइक की। गाइस अब इन दोनों के बीच में मैं रेस लगाने वाला हूँ, देखते हैं R1 जीतती है या फिर हमारी है डर्ट मोटो बाइक जीतती है। चलो स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 और ये दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। यमा R1 काफी ज्यादा आगे निकल रही थी पर जैसे ही मैंने मोटोक्रॉस बाइक के अंदर स्पीड बढ़ाई है इसने तो यार इसकी भाई ये क्या कांड हो गया है यार। हमारी मोटोक्रॉस बाइक ने देखो यार इसको एक धक्का मार के भाई पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया है। इसका राइडर भी ऊपर की तरफ से टूट चुका है कम्प्लीटली। फिर से एक बार दोनों के बीच में रेस लगाते हैं। इस बार यामाहा के ऊपर जो राइडर था ये मैंने निकाल दिया है ताकि इसका वेट थोड़ा सा कम हो सके। फिर भी गाइस आप देख सकते हो हमारी प्रो मोटो MX बाइक बहुत ज्यादा फास्ट है। ये एक राउंड लगा के भी वापस आ चुकी है। अब तक यामाहा बाइक का अता पता यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है गाइस। क्लियरली यहाँ पे प्रो मोटो MX बाइक बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, बहुत ज्यादा स्पीड से भी चल रही है और इसको चलाने में भाई अलग ही लेवल का मजा भी आता है। इसके अंदर जो जायरो सेंसर लगा है वो जायरो सेंसर बाइक को बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरने देता। देखो अभी तक मैं इसको इतनी खतरनाक टेरेन में चला रहा था, बहुत बार मैंने इसको क्रैश भी कराया है। बाइक बहुत ज्यादा मजबूत है, सिर्फ इसके स्टिकर्स थोड़े से सामने की तरफ से निकल चुके हैं, बाकी ये जो फेंडर है यहाँ से थोड़े से इसके स्टिकर्स निकल चुके हैं। ओवरऑल बाइक काफी मजबूत होने के कारण कहीं से भी नहीं टूटी है जैसे कि आप देख सकते हो। मगर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप ये बाइक खरीदते हो तो पहले आपको स्लो स्पीड में इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद में इसको हाई स्पीड में चलाना चाहिए। तो दोस्तों बाइक चला के तो मेरे को काफी ज्यादा मजा आया, तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि ये बाइक के साथ कौन सी RC कार की रेस मुझे करानी चाहिए। चलो भी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है स्वप्निल, बबलू, अयांश, जगन, आसिफ, उमेद, नमन, मनीष, धनुष, प्रज्ञान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।